पहली बात है। दूसरी बात, जिंदगी में बड़ी बेचैनी है, सबको है। अंग्रेजी में एक लफ्ज कहते हैं फ्रस्ट्रेशन, बराबर क्या भाई अंग्रेजी बोलने वाले लोग, बराबर जी, फ्रस्ट्रेशन, जिसमें खुद आदमी अपने आप को जान से भी मार लेता है। जी हाँ, सबसे ज्यादा खुदकुशी पढ़े लिखे बच्चों में है आज, बाकायदा बोलते हैं सुसाइड, और वो भी क्या है, मिलकर सुसाइड करना, एक साथ मरना। एक आदमी नेट पे बैठ के कहता है मैं फलां दिन फलां तारीख को मरने वाला हूं, दूसरा नौजवान मिल जाता मैं भी मर जाऊंगा, तीसरा भी। जी हाँ, मिलके जापान में सबसे ज्यादा, ये ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं, जो हो रहा है, जो चल रहा है, सुसाइड सबसे ज्यादा। जी हाँ, एक कंपनी है चाइना के अंदर, उसका सर्वे ये बताता है हर 3 महीने में एक बार उसका एक इंजीनियर सुसाइड करता है, कम से कम एक इंजीनियर। वर्क इतना ज्यादा, प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन, जिंदगी में चैन और सुकून नहीं, हर आदमी परेशान। ये हफ्ता और इतवार के दिन तकरीबन लोग अपने अपने कार लेकर बच्चों को लेकर बाहर जाते हैं, दिमाग को फ्री करने के लिए, चैन और सुकून के लिए। अल्लाह फरमाता है सुभान अल्लाह, चैन सुकून इत्मीनान कल्ब अगर दुनिया में किसी चीज में है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अगर किसी चीज में पीस ऑफ माइंड है तो अल्लाह की किताब कुरान मजीद में है। सारी दुनिया फिर लीजिए, आपको सुकून नहीं मिलेगा, जो 4 आयतों में आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। बैठ के गौर से पढ़िएगा, अकेले में बैठ के इंशाल्लाह सुकून मिलेगा। घर में सुकून चाहते हैं, जिंदगी में सुकून चाहते हैं, कुरान की तिलावत।